नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक ऐसी जानकारी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिस प्रकार का आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, ये आप भी समझ सकते हैं, अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं, क्योंकि यह कहीं पे भी लिखा नहीं, ये मैंने प्रत्यक्ष एक प्रमाणित बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जीवन में ये घटनाएं घटती हैं तो क्यों घटता है, एक्सीडेंट होना, मृत्यु तुल कष्ट होना, शारीरिक कष्ट होना क्यों होता है और कब इसका बहुत ज़्यादा चांस बनता है, कब ये लगता है कि नहीं ये होगा जरूर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जरूर, तो इसके लिए कैसे पता लगाया जाए और इसका बचाव उपाय कैसे किया जाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। आज का जो जीवन है, भाग दौड़ का जीवन है, आदमी अस्त व्यस्त रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है, सब समय के पाबंद में रहते हैं, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर उसी बीच अचानक कोई घटना घट जाती है, फिर आदमी का नज़रिया, सोचने का नज़रिया वो बदलने लगता है, क्यों ऐसा हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब मैं आपको मेन बात पे आ जाता हूँ, आपके कैसे पता किया जाए कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंटल केस हो सकता है या मृत्यु तुल कष्ट आ सकते हैं, या तो शारीरिक कष्ट किस प्रकार से आता है, कैसे हम कुंडली से इसको जानें। आइए, पहला, आपके जो राशि है, आपकी जो राशि है उसके स्वामी राहु की महादशा चल रही है, अगर उसमें ये भी अंतर में आ जाते हैं, अंतर दशा में आ गया है आपका राशि, वो कितने महीने, कितने साल, कितने दिन के लिए हैं, उस बीच में आपको यह कष्ट झेलना पड़ेगा, पड़ सकता नहीं, मैंने मेरी बातों को सुनिएगा, पड़ेगा, पड़ सकता नहीं, पड़ेगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, लग्नेश, जो लग्न के मालिक हैं, स्वयं हमारा जो शरीर है उसके जो मालिक हैं, कौन बैठा है आपके लग्न में, कौन सी नंबर की राशि है, उसके स्वामी कौन से हैं, अगर राहु की दशा में उनका अंतर आ गया तब भी ये मानिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, ये बहुत पॉइंट की बात है। अब किसके साथ कौन सा है वो आप पंडित जी को दिखाएंगे, ज्योतिष को दिखाएंगे तो बताएंगे उसका उपाय, ये जरूर करिएगा, यह प्रमाणित चीज़ें हैं, साक्षात यह मैंने किसी के साथ एक घटना हुई है और उसमें यही मैंने पाया, इसलिए आप सबको यह बातें मैं बता रहा हूँ, ये कहीं लिखी है या नहीं लिखी है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन यह सत्य घटना पे आधारित ये बातें मैं बता रहा हूँ, जीवन में इस बात को मैंने समझा है, आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो यह चीज़ देख के आप आगे कार्य कर सकते हैं। नमस्कार।